हाँ नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं सोन राम, जो आपके लिए नया टॉपिक, अच्छा टॉपिक है न्याय निगम, ये आपको पढ़ाऊँगा। ये हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, बैंक, पटवारी, सब में पूछा जाता है। और इन टॉपिक को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर अपन बात करें न्याय निगम की, तो देखो न्याय निगम को दो भागों में बाँटा गया है। एक तो तर्क पर आता है, जो अपने को तर्क देना होता है, और एक आता है संभावना पर आधारित। तो तर्क पर बात करें तो ये कुल चार भागों में बांटा गया है, चार भाग है इनके टोटल। तो चार भाग कौन कौन से, देखो एक तो आता है सभी वाला, एक आता है कुछ में, एक आता है कुछ नहीं, और एक आता है कोई नहीं। ये चारों ही एक दूसरे से संबंधित है। अगर ये समझ में आ जाता है तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना ध्यान से। सभी वाला लेते हैं अपन पहले, तो देखो इधर सभी वाला लेते हैं। जैसे अपने को दे दिया कि सभी कथन में दिया जाएगा, सभी ए बी है। उसके बाद में अपने को निष्कर्ष दिया जाएगा, कुछ बी ए है। दूसरे में दिया जाएगा, कुछ बी ए नहीं है। और आगे ऐसे भी दे दे, सभी बी ए है। ऐसे दे दे, सभी ए बी है। तो देखो इधर अपन बेसिक से बात करते हैं, इसको अपन देसी तरीके से लेते हैं। तो अगर इनके तरीके से देखते हैं तो थोड़ा सा समझने में अपने को दिक्कत आती है। तो मैं छोटी सी एक बात बताऊं, उनको ध्यान से पूरा समझना। एक परिवार होता है, उस परिवार में दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई। अब नीति और नियमों के अनुसार किसकी शादी होनी चाहिए पहले, बड़े भाई की, तो इसमें भी किसकी होती है, बड़े भाई की। बड़ा भाई है जो इसमें कतन है, और छोटा भाई है जो कौन है, निष्कर्ष है। अब देखो क्वेश्चन ये एग्जाम में दिया जाएगा, अपने को क्या करना है, बड़े भाई को देखना है और बड़े भाई की क्या करवानी है, शादी करवानी है। ठीक है भाई, बड़े भाई की शादी करवाएंगे तो बड़े भाई के क्या लाएंगे, बिंदनी लाएंगे। तो इसमें कैसी होगी इसकी शादी, यानी कैसी बिंदनी आएगी, जैसा बड़ा भाई का लग्न होगा वैसी आएगी। तो क्या बोला इसमें, इसका लग्न पढ़ो, क्या बोला, सभी ए, यहाँ पर भी मैं लगा लो, आसानी रहेगी एग्जाम में, मैं नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर मैं लगा सकते हैं ताकि अपने को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है। तो पढ़ो इनको, सभी ए बी में है, सभी ए किस में है, बी में, यानी ये अपन ने किसका मान लिया, ग्रुप बी का, ये सारे क्या है, बी है, बी को यहाँ पर पकड़ के भर दिया। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में क्या बोला अपने को, सभी ए बी में है, यानी सभी सभी ए, जितने भी ए है जो किस में है, बी में, ये लो ए, ए बी में डाल दिए, ये ए आगे बी में। देखो क्या बोला, सभी ए है, सभी ए किस में है, बी में, सभी सभी ए है, ये वाले ए जो किस में आगे, बी में आगे। ठीक है, समझ में आ गया क्या, यही बनता होगा अपने दिमाग में। अब देखो क्या करना है, यानी ये बड़ा भाई होता है और ये छोटा भाई होता है, ये बड़ा भाई है कतन, छोटा भाई निष्कर्ष है, ये बड़े भाई की पत्नी है जो आपको लानी है। ठीक है भाई, ये छोटा भाई क्या करेगा, बड़े भाई की और बाबी की दोनों की क्या करेगा, गुलामी करेगा। तो देखो इधर वैसे अपन डायरेक्ट से सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, सही तरीके से समझ में आएगा और जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है भाई, तो क्या बोला इसमें, इसमें क्या बोला कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए नहीं है, और
आगे बोला सभी बी ए है, सभी ए बी है, ठीक है भाई, ये बोला है। अब देखो अपने को यहां पर ये दिया जाता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा नहीं है। तो नीचे ऑप्शन में ए में ऐसे मिलता है केवल ए सही, केवल बी दो सही, केवल तीन सही, केवल चार सही, एक दो सही, ऐसे तो अपन कर लेंगे। अब देखो अपने को क्या करना है, यानी सबसे पहले क्या देखना है निष्कर्ष को, और किसके पास में जाएंगे, पहले कथन के पास में जाएंगे। कथन के अनुसार अगर आंसर सही है, यानी कथन के अनुसार ये निष्कर्ष वाला वाक्य सही है, और चित्र के अनुसार ये निष्कर्ष वाला वाक्य क्या है, चित्र के अनुसार गलत है, कथन के अनुसार सही, चित्र के अनुसार गलत, तो अपना आंसर क्या आएगा इसमें, गलत। और कथन के अनुसार अगर गलत है और निष्कर्ष के अनुसार क्या है सही है, तो भी अपना आंसर क्या आएगा, गलत। आगे अपन बात करें कथन के अनुसार भी सही है और निष्कर्ष के अनुसार भी सही है, तो अपना आंसर क्या आएगा, सही। यानी कहने का मतलब है कि अगर बड़ा भाई मना कर देता है और भाभी हाँ कर देती है, तो भी बात क्या होगी, वो गलत होगी। और अगर भाभी मना कर देती है और बड़ा भाई हाँ कर देता है, तो भी बात क्या होगी, गलत। यानी कहने का मतलब है दोनों में से किसी एक ने मना कर दिया, यानी दोनों में से किसी एक के विपरीत चले गए, तो वो बात क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। अब देखो अपन बात करें इसमें, ये अपन पढ़ते हैं सभी बी ए है, तो ये वाक्य आपको कैसा लगता है, सकारात्मक लगता है या नकारात्मक है भाई। इसमें बोला है कि सभी बी ए है, तो वाक्य कैसा है, ये सकारात्मक है। यानी नकारात्मक कैसे होता है, नकारात्मक अगर यहां पर नहीं है का नाम आ जाता है तो नकारात्मक होगा। वाक्य कैसा है, ये सकारात्मक, ठीक है ना। सकारात्मक बोले तो भाई कैसा है, यानी भाई है पॉजिटिव सोच का, ठीक है, ये भाई पॉजिटिव सोच का है, वाक्य कैसा हो गया, सकारात्मक यानी पॉजिटिव हो गया। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष कौन कौन सा सही होगा, भाई के अनुसार, भाई सकारात्मक सोच का है, वाक्य सकारात्मक सोच का है, तो सकारात्मक सोच का है वो तो क्या हो जाएगा, सही, और नकारात्मक वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें तो क्या दिया है कि ऐसा सभी ए बी में है और इसमें दे दिया नहीं है, तो ये तो है सकारात्मक कथन, और यहां पर ये आ गया कैसा, नकारात्मक, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब के अनुसार, गलत। क्यों, क्योंकि ये तो सकारात्मक वाक्य है और निष्कर्ष कैसा आ गया, नकारात्मक। तो भाई को ये कुछ भी जाके बात बोलेगा तो भाई क्या बोल रहा है कि मेरी तो ऐसी सोच ही नहीं है और तू ऐसी उल्टी बातें बोल रहा है, यानी मैं तो बोल रहा हूँ है और तू बोल रहा है नहीं है, तो ये बात क्या मानी जाएगी, गलत। यानी कहने का मतलब है कि सकारात्मक कथन का, सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष है वो गलत माना जाता है, ठीक है ना भाई। सकारात्मक जो कथन होता है उसका नकारात्मक जो निष्कर्ष होता है वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब मेरे को आगे बताओ कि ये इसके कथन के अनुसार सही है क्या, ये वाला बिल्कुल सही है कथन के अनुसार, ये वाला भी सही है, ये भी सकारात्मक है, ये वाला भी सही है, ये भी सकारात्मक है। तो भाई किस किस को राइट किए, एक तो पहले को, तीसरे को और चौथे को। अब क्या करेगा, देखो आगे अब क्या करेगा ये, अब अपने को क्या करना है इसको, यानी ये छोटा भाई है जो किसके पास में जाएगा, अरे बड़ा भाई की पत्नी के पास में जाएगा, यानी अपनी भाभी के पास में जाएगा, जाके बोलेगा कि भाभी आपके कुछ भी ए में है, किस में है, ए में। ये क्या बोल रहा है कि कुछ भी ए में है, कुछ भी है जो किस में है, ए में, तो बी है जो ए में दिख रहा है क्या, ये वाला ए है, ये वाला ये ए है, इसमें बी है क्या, देखो बी मिल रहा है, तो इस चित्र के अनुसार ये क्या होगा, पहले वाला निष्कर्ष, अरे बोलो पहले वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। अब फिर उसके बाद में आगे अपन बात करें, ये दूसरी बात इसके पास में रखेगा क्या, ये नहीं, क्यों, क्योंकि भाई ने मना कर दिया, भाई ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि ये बात क्या है, तेरी गलत है, तो ये बात नहीं रखेगा, ये बात क्या मानी जाएगी, गलत। तीसरी बात रखेगा क्या, बिल्कुल रखेगा, क्या बोला कि चित्र के पास में जाके क्या बोल रहा है ये, कि भाभी आपके सभी
बी ए में है, सभी सभी बी किस में है, सभी बी ए में है, तो सभी बी ए में दिख रहा है क्या आपको? अरे बी तो बाहर पड़े हैं, ये देखो बी बाहर रहे हैं, तो सभी बी ए में है क्या? सभी बी ए में नहीं है, कुछ बी बाहर भी पड़े, तो ये क्या हो गया भाभी के अनुसार? गलत। यानी ये बात भाभी के अनुसार क्या हो गई? गलत हो गई। पहली बात सही है, दूसरी गलत भाई के अनुसार, और तीसरी गलत है भाभी के अनुसार। चौथी बात देखो यहां पर क्या बोला ये जाके कि भाभी आपके सभी ए किस में है? बी में है। सभी सभी ए है जो किस में है? बी में है। सभी ए ये वाले ए जो इस बी में दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल है। तो ये क्या होगा चौथा अपना आंसर क्या होगा? सही। तो अपना उत्तर क्या आएगा? केवल एक तथा कौन सा सही? अरे बताओ केवल एक तथा चार अपना आंसर क्या आएगा? सही आएगा। और दो क्या आएगा? गलत। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने ऐसा ही। कथन में दे दिया कि सभी शेर बलवान है। सभी शेर क्या है? बलवान है। निष्कर्ष में क्या दिया है? निष्कर्ष में दे दिया कि सभी बलवान शेर है। दूसरे में दे दिया कुछ बलवान शेर है। आगे दे दिया कुछ शेर बलवान है। आगे दे दिया कुछ शेर बलवान नहीं। आगे दे दिया सभी शेर बलवान है। देखो इधर अपन बात करें तो ये क्या है भाई? ये तो है बड़ा भाई, ठीक है, और ये कौन है? ये है छोटा भाई। ये बड़ा भाई हो गया, ये छोटा भाई हो गया। बड़ा भाई की क्या होगी? शादी होगी। तो शादी कैसे होगी? जैसा बड़ा भाई का गुण है वैसी इसकी पत्नी आएगी। तो क्या बोला देखो, क्या बोल रहा है कि सभी शेर बलवान में है। इधर में लगा लिया करो, अपने को पढ़ने में आसानी रहती है, इधर में लिख लिया करो बलवान के आगे में, ताकि अपन क्या आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहती है। सभी शेर बलवान में है, सभी के सभी शेर किस में है? बलवान में। यानी ये अपन ने किसका ग्रुप माना है? बलवान का। यानी सभी इसमें क्या भर दिए? बलवान भर दिए। ये लो बलवान ही बलवान है, सारे बलवान है यहां पर। आगे क्या बोला है कि सभी शेर बलवान में है, सारे सारे शेर है, ये सभी शेर, ये क्या आगे इसमें शेर है, ये लो शेर। तो सभी शेर किस में है? बलवान में। सभी शेर बलवान में है, सभी सभी शेर है, ये वाले शेर जो किस में है? इस बलवान वाले ग्रुप में है, ये लो बलवान में आ गए। अब देखो अपने को क्या करना है, इस निष्कर्ष को लेके जाना है किसके पास में? कथन के पास में। इस निष्कर्ष को ले जाएंगे, पूरे पूरे निष्कर्षों को कथन के पास में रखेंगे, कथन के अनुसार कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो कथन कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक? सबसे पहली ये बात, तो कथन कैसा है? सकारात्मक है, ठीक है ना भाई। अगर कथन नकारात्मक आता है तो उसका आंसर भी नकारात्मक में आएगा। अगर कथन सकारात्मक में है तो सारा आंसर किस में आएगा? सकारात्मक में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसी भाई की सोच है वैसी बातें को क्या करेगा, ये सत्य मानेगा, और बाकी बातों को क्या माना जाएगा? गलत। कहने का मतलब है कि सकारात्मक कथन है तो उसका आंसर ही कैसा आना चाहिए? सकारात्मक।
तो क्या बोला, देखो सभी शेर बलवान में है, ठीक है ना, आ गया वो अपने दिमाग में ऐसा ही बन रहा होगा। आगे इसमें देखो निष्कर्ष में, ये सकारात्मक है तो ये पहला निष्कर्ष कैसा है, सभी बलवान शेर है, सभी बलवान क्या है, शेर है, तो ये कैसा है, ये भी सकारात्मक है का नाम आ रहा है। कुछ बलवान शेर है, ये भी कैसा है, ये भी सकारात्मक। कुछ शेर बलवान है, ये भी हेकार है, नहीं है का नाम ही नहीं है, तो कैसा हो गया, सकारात्मक। कुछ शेर बलवान नहीं है, ये तो सकारात्मक है की बात कह रहा है, ये क्या बोल दिया, नहीं है की बोल दिया, तो ये क्या हो गया, कट गया। क्यों, कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष कैसा है, नकारात्मक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गलत। आगे देखो क्या बोला, सभी शेर बलवान है, यानी सभी शेर बलवान है, तो इसके अनुसार ये क्या हो गया, ये सकारात्मक है, तो ये भी क्या है, सकारात्मक। अब देखो चौथी बात कट गई और पांचवी बात क्या हो गई, सही हो गई, तीसरी बात दूसरी और पहली, कथन के अनुसार ये सही है, लेकिन चौथी बात क्या है, गलत। अब ये पूरी जो जो बात भाई साहब ने सही बताई है, ठीक है ना, यानी भाई साहब कौन, कथन, और छोटा भाई कौन, निष्कर्ष। तो जो जो बात भाई ने सही बताई है वो बातें किसके पास में रखेंगे, अरे बाबी के पास में रखेंगे। तो पहली बात रखो, क्या बोला, जाके बाबी जी को बोलेगा कि सभी बलवान शेर में है, सभी बलवान किस में है, शेर में है। ये क्या बोल रहा है कि सभी बलवान शेर में है, ये बोल रहा है कि जितने भी बलवान है, ये वाला बलवान बड़ा वाला जो इस शेर के अंदर है, इसके अंदर है क्या, अरे है क्या सभी बलवान, ये बलवान तो बाहर पड़े, सभी बलवान शेर में कहां से आ गए, तो ये क्या होगा, गलत। समझ में आया है क्या, क्या बोला कि सभी बलवान शेर में है, ये सभी बलवान है, ये वाले बलवान जो ये बोल रहा है कि इस शेर के अंदर है, तो ये बात क्या होगी, ये बात है, गलत है। आगे क्या बोला, आगे बोला कि कुछ बलवान शेर है, ये बोल रहा है कि कुछ बलवान है, सभी के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ बलवान, यानी थोड़ी सी मात्रा में जो बलवान है या अधिक मात्रा में है, ठीक है ना, वो क्या है, शेर है। ये बोल रहा है कुछ के लिए कि कुछ बलवान शेर है, यानी कुछ बलवान है, ये बलवान, कुछ बलवान, बलवान का छोटा रूप जो किस में है, शेर में, ये बोल रहा है इस शेर के अंदर बलवान है क्या, ये रहा, तो ये क्या होगा, सही होगा। आगे देखो क्या बोला, कुछ शेर बलवान है, इसको ध्यान से समझना भाई, इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा, कुछ शेर बलवान है, ये क्या बोल रहा है कि कुछ शेर, ये वाले शेर है जो बलवान के अंदर है, सही बात है क्या, बिल्कुल सही है। क्या बोला कि कुछ शेर बलवान है, कुछ शेर है, कुछ शेर जो बलवान के अंदर है, ये वाले शेर है जो बलवान के अंदर है। कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसमें तो पूरे पूरे शेर बलवान है, तो कुछ है, तो कुछ तो होगा भाई, पूरे शेर बलवान में आ गए तो कुछ तो उसमें आएगा कि नहीं आएगा, तो आ गया, तो कुछ तो आ गया इसमें, तो देखो सभी शेर बलवान के अंदर आ गया, तो कुछ तो इसके अंदर ही है, जब ही तो सभी आया है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। आगे देखो इनको इनमें नहीं मिलाएंगे, क्यों, क्योंकि कथन के अनुसार ये पहले ही क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो क्या बोला कि सभी शेर बलवान है, यानी ये बोल रहा है कि सभी शेर बलवान, यहां पर मैं लिखो, यानी क्या बोल रहा है कि सभी शेर बलवान में है, ये सभी शेर, ये वाले शेर है जो इस बलवान के अंदर है, ये अंदर वाले शेर का ही तो ग्रुप है ना, ये वाले अंदर वाला जो शेर है, जो सारे किस में है, इस बलवान के अंदर है, सही है क्या, सही है। तो अपना कौन सा सही, दूसरा, तीसरा और पांचवा क्या माना जाएगा, सही, और ये पहला और ये चौथा क्या होगा, ये गलत माना जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो आगे, Thank you.
अब देखो ये पहली टाइप अपनी कंप्लीट हो गई, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसी टाइप से अपन करेंगे। पहले किस में से मिलाना है, कथन को देखना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में डायग्राम को देखना है, उसके हिसाब से पहली टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरी टाइप है जो पहली टाइप के जैसी जैसी है, तो देखो इधर बोल दिया कि कुछ ए बी है, यहां पर निष्कर्ष में बोल दिया, ये अकेले अकेले कथन आ रहे हैं भाई अभी, फिर आगे अपन दो दो कथन भी लेंगे, ठीक है ना, तो उसमें दूसरा भाग और भी बनेगा, उसमें दो दो कथन लेंगे, फिर तीन तीन कथन लेंगे, चार चार लेंगे, यानी पूरे आ जाएंगे उसमें। अभी तो ये एक एक आ रहा है, तो एक एक वाला समझ में आ जाएगा तो फिर अगला ले लेंगे, ठीक है ना। अगर इनको नहीं देखेंगे अपन डायरेक्ट तीन तीन वाला लेंगे, तो एक एक वाला समझ में नहीं आएगा, तो वो भी समझ में नहीं आएगा। ये एक एक वाला लेंगे पहले और दूसरी टाइप को मिक्स करेंगे, बिल्कुल ही सरल है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर क्या बोला कि कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, सभी बी ए है, सभी ए बी है, यानी ये कितने भी दे सकते हैं, कोई बी ए नहीं है, यानी कितने भी दे सकते हैं, लेकिन एक बार अपने समझ में आ गया तो ये पूरा समझ में बैठ जाता है। देखो क्या देखेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे कथन को, यह ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है भाई, और राजस्थान पुलिस की अपन बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इनसे व्यक्ति का दिमाग चेक होता है, ठीक है ना। बाकी जो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर है उसमें तो क्या है कि सूत्र उत्तर रखा और आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। इसके ये चैप्टर दो चार चैप्टर और भी है जो समझने के है, बाकी तो ऐसा ही है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले पहला काम क्या है, कथन को देखेंगे। कथन कैसा है, देखो कथन है कुछ ए बी है, यानी सकारात्मक है या नकारात्मक है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि कथन कैसा है। तो कथन कैसा है भाई, कथन है सकारात्मक, है की बात कर रहा है, अगर नहीं है की बात करता तो कैसा होता कथन, कथन नकारात्मक होता। अब देखो ये कथन है और ये क्या है निष्कर्ष। अब अपन कथन को देख लिया सकारात्मक, फिर उसके बाद में कथन का क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो देखो क्या बोला, कुछ ए बी है, यानी यहां पर क्या लिख दो, मैं लिख दो ताकि अपने आसानी रहेगी। क्या बोला, कुछ ए बी में है, कुछ ए है जो किस में है, बी में। ये पूरा किसका ग्रुप है, ये पूरा पूरा किसका है भाई, अरे ए का है, ये पूरे पूरे क्या भरे इसमें, ए भरे। अब क्या बोला कि कुछ ए बी में है, कुछ ए है, सभी बी ए बी में थोड़ी बता रहे हैं, कुछ के लिए बता रहे हैं, तो कुछ ए है जो किस में है, इस बी के अंदर है, ये पूरा बी का है। ये देखो ऐसा ही बन रहा है अपने दिमाग में डायग्राम, या कुछ अलग बन रहा है, अलग भी बन रहा है तो अपने को ऐसा ही बनाना है, ठीक है ना भाई। इसका डायग्राम अन्य हर बुक में अलग अलग डायग्राम, एक एक नहीं दो दो नहीं चार चार डायग्राम दे दे रखा है, ठीक है ना। उनमें अपन क्या है कि ज्यादा जितना डायग्राम बनाएंगे उतने ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अपन डायग्राम केवल एक ही बनाएंगे और एक के अनुसार क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। 100% पूरा सही होगा, चाहे कोई सी भी बुक में से, ये वीडियो देखने के बाद में, चाहे कोई सी भी किताब में से, कोई सी भी गाइड में से, जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे निकाल लेना, ठीक है ना। लेकिन ये चार टाइप का आपको देखना पड़ेगा पूरा, ठीक है ना। अब क्या बोला कि कुछ ए बी में है, कुछ ए है, ये वाले कुछ ए है, यानी आधे कुछ का मतलब अपन आधा ले सकते हैं, आधा से ज्यादा ले सकते हैं, आधा से कम ले सकते हैं, तो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लेना है। तो क्या बोला, कुछ ए, ये वाले कुछ ए जो किस में है, बी में है, तो बी भी इसके अंदर आएगा, आधे बी बाहर आएगा, आधे अंदर आएगा। अब देखो ये डायग्राम चित्र बन गया, चित्र अपने को बनाना है, और अब क्या करना है, इस निष्कर्ष को किससे मिलान करना है, इस निष्कर्ष को कथन से देखना है। तो कथन है सकारात्मक, और निष्कर्ष कौन कौन से सकारात्मक है, वो तो कथन के अनुसार क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे, और जो
नकारात्मक है वो कथन के अनुसार क्या माने जाएंगे? गलत। तो ये सकारात्मक है क्या? पहला पहला सकारात्मक है के लिए बता रहा है, ये भी है के लिए बता रहा है, नहीं है की बात ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो नहीं है बोल रहा है, ये भी नहीं है बोल रहा है, और ये भी नहीं है बोल रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन काट देंगे, ये लो। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई, ये कैसा वाक्य है? ये नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है, ये भी नकारात्मक है। अब देखो भाई, कई ऐसे सोच रहे होंगे, कई ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई ये नहीं है का नाम आते ही बिना देखे ही काट देना है क्या? नहीं भाई, उसमें फिर संभावना वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें नहीं है वाले भी सही हो सकते हैं। तो आप पूरा इसको देखोगे, पूरा पढ़ोगे, जब पता चलेगा कि किसको काटना है, किसको रखना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सकारात्मक कथन, और ये क्या हो गया? नकारात्मक। पहला, चौथा और सातवां, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, यानी कथन के अनुसार पहला सही, दूसरा सही और पांचवां सही, छठा सही है। अब क्या करेंगे, इसको किन से मिलाएंगे? इस चित्र से मिलाएंगे। तो देखो इनमें से देखो क्या बोला कि कुछ भी ए में है, यहां पर मैं लिखो, तो क्या बोला कि कुछ भी ए में है, यानी कुछ भी ये बोल रहा है कि ये वाला बी है जो किसके अंदर है? इस ए के अंदर है, ये बी है, कुछ भी, सभी बी के लिए नहीं बोल रहा है, कुछ के लिए बोल रहा है कि कुछ भी ए में है। तो कुछ भी है ये वाले भी जो ए के अंदर है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ये क्या होगा? पहला सही। आगे क्या बोला? कुछ ए बी है, ये बोल रहा है कि कुछ ए है जो किस में है? इस बी के अंदर है। ए दिख रहा है क्या बी में? है। तो ये भी क्या होगा? सही होगा। आगे ये दो तीसरी और चौथी बात तो गलत हो ही गई। पांचवी में क्या बोला कि सभी बी ए में है, ये बोल रहा है कि सारे सारे ये बी है जो इस ए के अंदर है क्या? नहीं। तो ये भी क्या होगा? गलत। ये बोला आगे कि सभी ए, क्या बोला? सभी ए बी है, ये क्या बोल रहा है कि सभी ए है, सारे सारे ए, सभी ए जो इस बी के अंदर है। सही बात है क्या? नहीं है। सभी ए बी में कहाँ है? ये बाहर पड़े। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अपना आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा, बाकी सारे क्या है? ये गलत है। ठीक है भाई, अब देखो आगे ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं। कथन, कुछ भारतीय खिलाड़ी सभी भारतीय खिलाड़ी सभी हाँ भाई, देखो अपन बात करें कथन की। सबसे पहले कथन कैसा देखेंगे? कथन कैसा है बोलो? कथन है सकारात्मक। कैसा है? सकारात्मक है। पढ़ते ही पता चलता है कि कुछ भारतीय क्या है? खिलाड़ी है। कथन कैसा आ गया? सकारात्मक। अब देखो अपन क्या करेंगे, कथन का क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। यानी मैंने आपको बताया कि अगर वो कहानी समझ में आती है तो बिल्कुल सरल तरीके से है। एक परिवार है, उसमें दो भाई, बड़ा भाई कथन है, छोटा भाई निष्कर्ष है,
और बड़े भाई की शादी करते हैं तो वो क्या बनता है, डायग्राम चित्र बनता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन बात करें, छोटा भाई है जो बड़े भाई की और बड़े भाई की पत्नी की क्या करता है, गुलामी करता है। तो यहां पर अपन देखेंगे पहले इनको इनसे मिलाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे चाहे डायग्राम बना लो पहले, चाहे इसमें से इसमें मिला लो, ठीक है ना। तो डायग्राम की बात करते हैं तो अपन क्या बोला कि कुछ भारतीय खिलाड़ी है, यानी ये भारतीय है, ये किसका ग्रुप है, ये भारतीय का, ये भारतीय जो कुछ भारतीय किस में है, खिलाड़ी में, ये लो खिलाड़ी। सारे खिलाड़ी भारतीय है क्या, नहीं। सारे भारतीय खिलाड़ी है क्या, नहीं। क्या बोला कि कुछ भारतीय, यानी कुछ भारतीय, भारतीय का कुछ भाग है भारतीय का, जो किस में है, खिलाड़ी में है, तो ये लो कुछ भारतीय क्या है, खिलाड़ी में है। ये डायग्राम बनाए सभी के दिमाग में। अब देखो अपन बात करें ये कथन कैसा है, सकारात्मक नकारात्मक कौन सा है, ये चौथा नकारात्मक है, ये क्या आ गया, नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चौथा क्या है भाई, चौथा गलत है। अब देखो इसको तीनों को किससे मिलाएंगे, इस डायग्राम से मिलाएंगे। क्या बोला, सभी भारतीय खिलाड़ी में है, सभी ये क्या बोल रहा है कि सभी भारतीय, कि जितने भी भारतीय सभी सभी भारतीय जो किस में है, खिलाड़ी में, ये सारे भारतीय सभी भारतीय इस खिलाड़ी के अंदर है क्या, खिलाड़ी में है क्या सभी भारतीय, ये बाहर पड़े भारतीय तो खिलाड़ी में नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत। आगे क्या बोला, सभी खिलाड़ी भारतीय है, ये बोल रहा है कि सभी खिलाड़ी, यानी ये वाले खिलाड़ी है जो इस भारतीय के अंदर है, सभी खिलाड़ी भारतीय में है क्या, नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत। आगे क्या बोला, कुछ खिलाड़ी भारतीय है, ये बोल रहा है कुछ खिलाड़ी का कुछ भाग है जो किस में, इस भारतीय में है, तो ये देखो खिलाड़ी का ये जो भाग है, ये वाला जो इस भारतीय के अंदर है, तो ये क्या होगा, सही होगा। इसमें कौन सा सही है, केवल तीसरा सही है, बाकी क्या है, पहला दूसरा और चौथा गलत है। अब देखो मैं टाइप को पहली को और दूसरी को एक साथ में लेता हूं, फिर तीसरी पढ़ेंगे और चौथी पढ़ेंगे, फिर तीसरी चौथी को एक साथ में लेंगे और फिर चारों को एक साथ में लेंगे, अपना क्लियर हो जाएगा। देखो आगे सभी हिरण काले हैं, कुछ काले शेर हैं, निष्कर्ष कुछ शेर हिरण है, कुछ हिरण शेर नहीं, कुछ हिरण शेर, कुछ काले हिरण सभी काले हिरण। हाँ भाई अपन बात करें क्या बोला, कथन कैसा है, देखो कथन दोनों ही कैसा है, सकारात्मक है। कथन कैसा है, कथन है सकारात्मक। इसमें जो निष्कर्ष सही माना जाएगा, जो कौन सा सही माना जाएगा, जो सकारात्मक होगा वो ही सही माना जाएगा। तो नकारात्मक कौन सा है भाई, नकारात्मक ये आ गए, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि कथन कैसा है,
कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। अगर निष्कर्ष नकारात्मक आ गया वो निष्कर्ष क्या माना जाएगा? वो गलत माना जाता है। ठीक है भाई, ये सकारात्मक है तो सभी इसका आंसर सकारात्मक में ही होना चाहिए। ये पॉजिटिव में है या सकारात्मक में है? ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक या पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा? गलत। अब देखो इसका डायग्राम बनाओ। क्या बोला? सभी हिरण काले, यहां पर मैं लिखो सभी हिरण किस में है? काले में। सभी हिरण है काले में है, यानी सभी हिरण है ये वाले हिरण, ये हिरण है जो किस में है? ये हिरण, ये काले में है, ये वाला काला, ये क्या हो गया भाई? ये काला। सभी हिरण है काले में है। आगे क्या बोला? कुछ काले शेर है। ये बोला कि ये जो काले है, कुछ काले जो क्या है? शेर है, ये लो शेर। अब ये शेर हिरण को टच कर सकता है क्या? हिरण को क्रॉस कर सकता है क्या? कर भी सकता है, लेकिन अपने को इसमें नहीं करवाना है। वो संभावना वाला क्वेश्चन आएगा, आगे बनाएंगे अपने वीडियो, तो उसमें देख लेना, उसमें ये टच भी करेगा और उसका आंसर अब संभावना वाला में सही भी होगा, लेकिन इसमें अपने को नहीं करवाना है। ठीक है ना भाई? क्या बोला? सभी हिरण काले में है, यानी सारे सारे हिरण है ये वाले हिरण है, ये वाले हिरण है जो किस में है? इस काले के अंदर है। फिर बोला कुछ काले शेर है, ये वाला काला है जो किस में है? इस शेर के अंदर है। अब क्या बोला? कुछ काले शेर में, पूरे नहीं है कुछ। अब देखो इसको इनसे मिलाएंगे। क्या बोला? कुछ शेर हिरण है, यानी कुछ शेर हिरण में है, यहां पर मैं लिख लो। क्या बोला? कुछ शेर, यानी ये वाले शेर है जो इस हिरण में है, है क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत। नहीं दिख रहा है ना? क्या बोला? कुछ शेर हिरण में है, ये वाले शेर है जो इस हिरण में है, ये ऐसे बोल रहा है। दिख रहा है क्या शेर हिरण में? नहीं है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। आगे देखो क्या बोला? कुछ हिरण शेर में है, कुछ हिरण, कुछ हिरण शेर में है, ये बोल रहा है कि ये वाले हिरण है, कुछ हिरण जो इस शेर में है क्या? नहीं है, तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। इसमें आगे क्या बोला? कुछ काले हिरण में है, कुछ काले है जो हिरण में है, ये बोल रहा है कि ये वाले जो काले हैं, कुछ काले ऊपर वाला जो इसका थोड़ा सा रूप इस हिरण के अंदर है क्या? है, तो ये क्या होगा? सही। आगे क्या बोला? सभी काले हिरण में है, ये बोल रहा है जितने भी काले हैं ये वाले पूरे पूरे काले इस छोटे हिरण में है क्या? नहीं है, तो क्या होगा? ये गलत। इसमें अपना आंसर सही क्या होगा? केवल और केवल है चौथा, बाकी क्या होगा भाई? गलत होगा। अब देखो इस टाइप के, यानी सकारात्मक टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे जिसमें कथन क्या हो? सकारात्मक हो, यानी कथन में नहीं है का नाम है ही नहीं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस टाइप से सही हो जाएंगे। चाहे कोई सी भी बुक में से, कोई सी भी गाइड में से कर लेना, इस तरीके से करोगे तो जितना भी सकारात्मक वाला कथन है, यानी कुछ का या सभी का, सारे सही होंगे। और नकारात्मक वाला है जो, आप क्या करना, दूसरा भाग देख लेना इसका, उसमें अपन नकारात्मक वाले सारे करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है ना? बाकी बात अपन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक, मिटा।